कानपुर में भूमाफियाओं की कहर से एक युवक लगातार पुलिस प्रशासन की चौखट पर ठोकरे खा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कानपुर के डीएम कार्यालय पहुंचकर पीड़ित दिलीप भास्कर ने बताया कि थाना सेन पश्चिम पारा अंतर्गत ग्राम परसोली तुलसियापुर में उनकी जमीन है, जहां पर अंकित सिंह गौतम, सुधीर गौतम जो की सरकारी टीचर के पद पर, प्रशांत कुमार गौतम, संतोष कुमार गौतम ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से इंटरलॉकिंग सीमेंट और टाइल्स बनाने का कारखाना बना लिया और प्लॉट खाली नहीं किया जा रहा है। पुलिस से की शिकायत और आपको बता दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज डीएम से शिकायत की गई है। मेरा शुभ नाम मिलिंद भास्कर है। आज कहां पे आए थे, क्या समस्या? सर, आज दिनांक 28 जून 2024 को मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में यह अंकित है कि मेरी जमीन जो कि ग्राम परसौली तुलसियापुर में स्थित है, प्राइवेट प्लॉट नंबर 5678, उस पर एक भू माफिया ने अवैध रूप से इंटरलॉकिंग सीमेंट का टाइल्स बनाने का कारखाना खोल रखा है तथा एक आरओ प्लांट भी खोल रखा है। और वो जो प्लांट है वो भी अवैध रूप है, ना ही उसका जीएसटी में कोई पंजीकृत है और वो खुले आम धड़ल्ले से उसकी बिक्री कर रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से मैं यहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र दिया, मैंने गुहार लगाई है कि मेरी जमीन को इन अवैध भू माफियाओं से मुक्त कराया जाए तथा मेरे और मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। लोग हैं भू माफियाओं का नाम है अंकित सिंह गौतम, प्रशांत कुमार गौतम, संतोष कुमार गौतम, सुधीर कुमार तथा सुधीर कुमार। कोई कार्रवाई के खिलाफ हुई है क्या? थाना सेन पश्चिम पारा में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, अभी तक कोई उचित रूप से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। मुकदमा इसमें अभी कोई मुकदमा नहीं हुआ है। कितने दिन से तुम परेशान हो? सर, मैं लगभग एक वर्ष से अधिक हो गया मुझको। मैं बस यहीं से थाना पुट चौकी और आज यहाँ पे थक हार गया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो। तो मैं आज दिनांक 28 जून को जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। कोई प्रशासन या पुलिस प्रशासन आपकी बात कोई क्यों नहीं क्या सर, वो कोई गंभीरता से मेरी समस्या को नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उन भू माफियाओं के खिलाफ। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होगी तो सर मुझे, मैं तो हताश हो गया हूँ सर। लगभग एक साल से अधिक हो गया मुझको अपनी जमीन पे, मैं जाता हूँ अपनी जमीन पर, मुझको जाने तक नहीं देते हैं तथा मैं जब भी अपने किसी काम से बाहर जाता हूँ तो मुझको रास्ते में रोक के मुझको धमकाते हैं कि अगर तुमने कोई पुलिस में कोई मेरी शिकायत करी या कहीं गए कचहरी गए तो मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की हत्या कर दूंगा। मैं बहुत ही इस कृत्य से मैं बहुत ही डरा एवं सहमा सा हूँ। लगभग कितने की जमीन होगी सर? मेरी जो प्लॉट है उसका कुल क्षेत्रफल है 444.444 वर्ग, यानी 370.60 वर्ग मीटर। क्या